खोराबाड़ थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनुराग निषाद पुत्र राम प्रताप निषाद निवासी पिपरा थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर, दूसरा दीपू निषाद पुत्र वकील निषाद निवासी जंगल चवरी केवटान टोला थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि उनके पास बरामद मोटरसाइकिल को 15 सितंबर को शाम के समय यशोधरा कुंज थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर से चुराया था। अभियुक्त दीपू निषाद ने बताया कि इसके अलावा और 2 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी हम दोनों ने मिलकर चुराया है, जो कि मेरे घर पर है, जिसमें से 1 मोटरसाइकिल ग्राम रजही खाले टोला से चुराया था। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह, रामजी गुप्ता, स्वात टीम प्रभारी मनीष यादव, कांस्टेबल बलवीर सिंह, अनिल गुप्ता, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, कांस्टेबल करुणापति तिवारी, इंद्रेश वर्मा, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज खोराबाड़ पुलिस द्वारा एक गुटबक किया गया है, जिसमें उन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है। उनके पास से 3 सुपर स्प्लेंडर एवं 1 जुपिटर स्कूटी बरामद की है। ये लोग कल मोतीराम अड्डे की तरफ से आ रहे थे, इसमें बिना नंबर की गाड़ी चेकिंग के दौरान चेक की गई तो वो लोग भागने लगे, उसको फिर पीछा करके रोके पर उसके बाद में उनसे कागजात पूछने पर वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाए एवं उसकी एक गाड़ी सी गई और सघन पूछताछ के बाद में उन्होंने बताया कि वो इस तरीके से एक मोडस ऑपरेंडी है उनका और अन्य भी मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उन्होंने 3 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद करवाई जो उनके द्वारा चोरी की गई थी। दीपू निषाद एवं अनुराग निषाद, इनमें दीपू निषाद है, उसके खिलाफ 3 अन्य थाने कैंट, रामगढ़ताल एवं खोराबाड़ में मुकदमे पहले से दर्ज हैं और इसका साथ ही उसके ऊपर भी 2 मुकदमे भी दर्ज हैं चोरी के।